उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है और जल्द ही बैठक में सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय होगा। उन्होंने बताया कि सभी 10 सीटों पर प्रभारी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है ताकि बीजेपी को सहयोग मिल सके। सीटों के बंटवारे को लेकर मंत्री संजय निषाद से खास बातचीत की अनादि टीवी संवाददाता ने। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं और विधानसभा के उपचुनाव के पहले निषाद पार्टी का जो रुख है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण बना हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद जी हैं। एक बड़ी जानकारी सामने आई कि आपने 28 अगस्त को पिछले महीने में एक सूची जारी कर दी प्रभारियों की सभी 10 सीटों पर। पहले तो आप केवल मझुआ और कटेरी मांग रहे थे कि आप 10 पे लड़ने जा रही है, निषाद पार्टी बात नहीं बन पा रही, क्या है पूरी समय आएगी बात भी बनेगी। हम सहयोगी दल हैं, 10 सीट पर प्रभारी बनाने का मतलब हम 10 सीट में हम लोग एनडीए की जीत हासिल करें। आखिर जो विधायक बने हैं उनको भी हम ड्यूटी पर नहीं लगाएंगे तो अपने को पेचित महसूस करेंगे। कार्यकर्ताओं को लगाया गया, कुछ पिछले जो इलेक्शन था जो लोकसभा का 2024 का, उसमें देखा कि सामंजस्य वोटर और पार्टी और लोगों में सही बात पहुंचाने में नाकामी आ रहा है, इसलिए हम लोगों को हार देखना पड़ा। तो सही बात जो विपक्ष ने आरक्षण का मामला, संविधान का मामला, झूठ भ्रम फैलाया, उसको तो सही बात बता लगाने के लिए भाजपा ने कहा आपसे सहयोगी दल। हमारी पार्टी स्वतंत्र, हमारे विधायक स्वतंत्र है ड्यूटी का, हम तो लोग पार्टी खड़ी बड़ी इसीलिए होती चुनाव लड़ने के लिए है, तो हम अपने वोट को इकट्ठा नहीं करेंगे ताकि कैसे भाजपा की मदद करें। अगर वो हमें कटहरी और मझवा मदद कर रहे हैं तो हमें उनके और सीटों पर तो मदद करना पड़ेगा ना। आपका रुख क्या है, मतलब आप लड़ेंगे मझो 100 सीटों पर एनडीए लड़ेगी और जीतेगी। अच्छा, ये आप एक आरक्षण सेना शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए बड़ी तैयारियां हैं, क्या है ये? हम कह रहे हैं कि निषाद पार्टी का जन्म ही आरक्षण के मुद्दे से हुआ है। आरक्षण एक उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, संविधान में मिला हक है। सेकेंड इंडिया एक्ट 1931 से लेकर 41 शुरू से ही है, लेकिन जिन लोगों ने सत्ता की चाबी ली, इनका वोट लिया और इनके लिए लेदरमैन वाशरमैन तो कब्जा कर लिया, फिशरमैन को फिसला के ख़त्म कर दिया, झगुआ भर वोट को पौआ पिला के बर्बाद कर दिया। अब जब पता चल गया तो उनका पर्दाफाश हो रहा और आरक्षण की किताब लिखी है ये कि देखो ये राजनीतिक आरक्षण जो है मछुआ अनुसूचित जाति में है, इनके मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ मकान लोकसभा ये छीनने वाले धोखेबाज वही लोग हैं सपा बसपा कांग्रेस को। तो इसके लिए एक सेना के माध्यम का मतलब कि ये लोकतांत्रिक ढंग से जाएंगे, गांव में सबको बताएंगे कि तुम्हारा वाकई में अनुसूचित जात की सूची में मझवार गौंड तुरैया खराब में लोग पूछेंगे कि अभी तक आरक्षण नहीं मिला था, वो तो बताएंगे ना किसका दोषी कौन है। फाइल गायब कराने वाले के दस्तावेज है ना, ये दस्तावेज में लिखा हुआ है कि धोखेबाज कौन है, हैं कौन फाइल गायब कराया, कौन इसमें रोड़ा है, तो रोड़ा को हटाया जाएगा, पाया जाएगा, माननीय बताया जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही आवाज़ उठाते रहे और आज के दिन उन्होंने पत्र भी लिखा RGI को, RGI ने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ जो अधिकारी भर्ती हैं लेदरमैन वाशरमैन फिशरमैन के में फिशरमैनों का हिस्सा ख़त्म करके लेदरमैन का जो कब्जा है 23% आरक्षण में अपनी संख्या से 100 गुना, ऐसे सब अधिकारी हैं वो घुमाते रहते हैं। RGI से रिपोर्ट मांगा मुख्यमंत्री ने, दिशा निर्देश दें, RGI ने लिख तो दिया कि नहीं केवट मल्ला मझवार अनुसूचित के इनको 19 एक्सिट में गिनती हुई थी सेंसस मैनुअल में है, लेकिन वो कहाँ भेज दिया, दिल्ली भेज दिया। तो ये इसी तरीके से तो आपके दिन में आरक्षण के लिए हमारी पार्टी जो है संजीद है, उस पर गंभीरता से काम हो रहा है। तो देखिए उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में और इसके लिए प्रभारी बनाया है संजय निषाद ने अपने विधायकों को, लेकिन मझुआ और कटेरी की जो सीट है उस पर भी अभी तस्वीर साफ नहीं है। हालांकि आरक्षण सेना संजय निषाद की अगुवाई में काम करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आरक्षण में वर्गीकरण और निषाद आरक्षण को लेकर विपक्षी पार्टियों के खिलाफ एक माहौल तैयार करेगी ग्राउंड लेवल पर। अब इसका क्या असर होगा, आने वाला समय बताएगा। सहयोगी सुवांशु के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि TV, लखनऊ।